नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि सीयूईटी के लिए कैसे आपको आवेदन करना है। आवेदन करने से पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि सीयूईटी के एग्जाम के आवेदन करने के लिए हमें क्या-क्या करना होगा, कैसे हम आवेदन करेंगे उसका, ये पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इसलिए वीडियो पर बने रहें। इससे जो भी छात्र आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें बताऊंगा कि इससे पहले हमने सीयूईटी के ऊपर एक वीडियो पब्लिश किया था, जिसमें हमने सीयूईटी में आपको कैसे विषयों का चयन करना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। कैसे टेस्ट होंगे, कितने टेस्ट होंगे, कौन कौन से विषय रहेंगे, इस सारी चर्चा हमने पूरे वीडियो में बताई है। तो इससे पहले आप उस वीडियो को भी अवश्य देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष से 22-23 के सेशन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए मेरिट की प्रक्रिया को छोड़कर अब एक प्रवेश परीक्षा लागू कर दी गई है। नए नियम यूजीसी के द्वारा आए हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जिसका लिंक हम आपको इसके डेस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एप्लीकेशन जो आपको भरना है उसकी डेट क्या है। तो ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन है वो 6 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 6 मई इसकी लास्ट डेट है। 6 मई को शाम को 5 बजे तक आपसे भर सकते हैं, लास्ट डेट इसकी है। करेक्शन के लिए अगर फॉर्म आप अप्लाई कर देते हैं, उसमें अगर कोई करेक्शन होता है तो उसके लिए अगर कोई भी तिथि आएगी तो लेटर आपके एनटीए एजेंसी के द्वारा बाद में आपको डिक्लेयर की जाएगी। पहले आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है वो 6 मई तक करना है। उसमें करेक्शन के लिए आपको चांस अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब बाद में डिसाइड होगा। डेट एग्जामिनेशन की अभी एकदम निश्चित नहीं है, लेकिन फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आपका रिटन टेस्ट होगा। एग्जाम के ड्यूरेशन की बात करें तो 2 स्लॉट में एग्जाम होगा। स्लॉट वन में जो होगा वो 195 मिनट का होगा, जो लगभग 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और स्लॉट टू आपका 225 मिनट का होगा, जो 3 घंटे 45 मिनट का होगा लगभग। यानी पहला जो स्लॉट वन है 3.25 घंटे का और दूसरा स्लॉट 4.25 घंटे का होगा। टाइमिंग एग्जामिनेशन की बात करें तो स्लॉट वन की जो टाइमिंग रहेगी वो 9 से 12:15 तक रहेगी। स्लॉट टू की जो टाइमिंग है वो शाम को 3 बजे से 6:45 तक रहेगी। सेंटर केंद्र कौन सा रहेगा, किस तारीख में होगा, टेस्ट के सब्जेक्ट क्या होंगे, ये सारी जानकारी आपको एडमिट कार्ड जब मिलेगा उस पर दी जाएगी। फाइन, डिस्प्लेज ऑफ रिकॉर्ड रेस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर कीज ऑफ दी वेबसाइट, ये भी वेबसाइट पर बाद में डाल दी जाएगी जब आप एग्जाम दे देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन एग्जाम के बाद की है, जिसे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। वेबसाइट की बात करें तो जो आपको आवेदन करना है वो cuet.samarth.ac.in पर आपको आवेदन करना होगा। इसकी प्रक्रिया भी हम आपको पूरी बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, लेकिन आवेदन करने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है वो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आवेदन करते वक्त बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं होती। फी की बात करें कि फी कैसे डिसाइड होगी, कितनी फीस रहेगी, तो स्लॉट वन कि जो है वो 9 AM से 12:15 PM का है। नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट जो है वो 4 सब्जेक्ट तक आप इसमें ले सकते हैं। टोटल हमने बताया था पहले वाले वीडियो में कि टोटल 9 विषय होंगे आपके, तो अगर इसमें 4 ले रहे हैं तो यहाँ 5 होंगे, अगर इसमें 3 लेंगे यहाँ पर लैंग्वेज वाले में तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। जनरल और अनरिजर्व के लिए जो फीस है वो 650 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है। एससी एसटी और थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूडी फिजिकली डिसेबल्ड, तो उसके लिए 550 है। और जो भी सेंटर ऐसे हैं जो आउटसाइड इंडिया सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए 3,000 रुपये है। ठीक है, अप टू 5 सब्जेक्ट के लिए, स्लॉट टू के लिए आपकी 650, 600, 550, 300, यानी दोनों के लिए आपकी फीस का अमाउंट अलग अलग है, सेपरेट है। प्रोसेसिंग चार्ज एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर टू बी पेड बाई दी कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। अगर आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे वो आपको पे करने होंगे। तो
तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन की बात करें कि किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले हमें उसकी इंफॉर्मेशन को जानना चाहिए क्या क्या है। तो सबसे पहले रीड दी प्रोस्पेक्टस डिस्प्लेज ऑन दी वेबसाइट ऑन दी यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पहले उस केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टस का अध्ययन जरूर कर लें कि जिस कोर्स में आप एडमिशन चाह रहे हैं वो कोर्स वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है। द कोर्सेज ऑफर्ड बाई देम, कौन कौन से कोर्स उस विश्वविद्यालय में, सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी है उनकी, एज कितनी है, पासिंग और अपियरिंग क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगी। तो किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई करने से पहले उसके बुलेटिन को भी आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको 3 स्टेप में फिल करना होगा, जिसमें पहला स्टेप जो होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्टर फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन दी सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जब आप स्टेप वन को पूरा करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, जब आप वो इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे तो सिस्टम के द्वारा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। तो आपको उस नंबर को अच्छे से आपको सेव करके रखना है कि फ्यूचर रेफरेंस में वो नंबर ही आपके काम आएगा। कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड। इसके साथ साथ आपको पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पर, जिससे आप अपने लॉग इन में जाके फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। आपका जो पासवर्ड है वो 8 से 13 करेक्टर का हो सकता है। उसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि कम से कम एक करेक्टर अपर केस में, एक लोअर केस में, एक न्यूमरिकल वैल्यू और एक स्पेशल करेक्टर जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आपसे पूछेगा और सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर भी आपको देना होगा। ये सारी प्रक्रिया आपको स्टेप वन में करनी होगी। उसके बाद जैसे ही आप ये पासवर्ड जनरेट करके और उसमें सबमिट करेंगे, तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपको भविष्य में यूज करना है। आप अपना लॉगिन भी करेंगे तो आप अपने पासवर्ड के माध्यम से और उसको लॉगिन कर पाएंगे। तो ये आपको एप्लीकेशन नंबर विशेष रूप से आपको नोट कर लेना अपने पास, और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप स्टेप वन में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे, तो आप स्टेप टू में पहुंचेंगे। स्टेप टू में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। स्टेप वन में जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन होगी, और उसी में आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। स्टेप टू में जब आप पहुंचेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। फॉर सब्सिक्वेंट लॉग इन द कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली विद द रेस्पेक्टिव सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड क्रिएटेड पासवर्ड। यानी स्टेप वन कंप्लीट करने के बाद जब आप स्टेप टू को कंप्लीट करने के लिए लॉग इन करेंगे, तो लॉग इन के लिए आपको सिस्टम से जो जनरेट एप्लीकेशन नंबर है वो डालना होगा, और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो आप उसमें डालेंगे, तब आपका लॉग इन होगा। द कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड। यानी कि आपको लॉग इन में जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपने जो पासवर्ड जनरेट किया वो पासवर्ड डालना है, तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो दूसरे स्टेप में खुलेगा, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका प्रोग्राम का सिलेक्शन, कौन से विषय में जाना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, उसका डिटेल होगा। टेस्ट पेपर डिटेल्स, कौन कौन से टेस्ट आप देना चाहते हैं, चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटी, कौन कौन से केंद्र आप चूज करना चाहेंगे, एग्जामिनेशन कहाँ देना चाहेंगे। उसके साथ साथ अपलोडिंग द इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ आपको इसमें इमेज और अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने होंगे। तो हम ये भी बताएंगे अभी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने पड़ेंगे, उसका भी डिस्कस करेंगे। तो स्टेप टू में अपलोड स्कैंड इमेज ऑफ कैंडिडेट, जब आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप टू में फिल कर देंगे, तो उसके साथ साथ फिर आपसे वो एक इमेज, अपनी फोटो आनी है, फोटोग्राफ आपसे, और सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर एप्लीकेबल है, यानी आप किसी कैटेगरी में अगर आते हैं। अगर आप जनरल में तो आपको किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में है, एससी एसटी में है, या पीडब्ल्यूडी फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में है, तो आपको सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करने पड़ेंगे। और इमेज और सिग्नेचर तो सभी को ही करना है। इसके साथ साथ अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप उस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको वो भी उसमें अपलोड करना होगा। द रिसेंट पासपोर्ट
फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस। यानी 80% फेस का मतलब यह है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको इसमें स्कैन करना है, अपलोड करना है। ये ध्यान रखें कि आपके मास्क नहीं होना चाहिए आपके इमेज में, आपके फोटो में। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट या कलर फोटोग्राफ आप इसमें लगा सकते हैं। स्कैंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। ये ध्यान रखना कि फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि आप एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले ये सारी तैयारी कर लें, पहले डॉक्यूमेंट सारे अपने स्कैन करके उनके प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार कर लें, तो आपका जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। उसके बाद द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB to 200 KB। आपके फोटोग्राफ का जो साइज है जो जेपीजी में होगा वो 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए, और क्लियरली रीडेबल और क्लियरली विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। द साइज ऑफ द स्कैंड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB to 30 KB। यानी जो आपका सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। द साइज ऑफ द स्कैंड कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS, इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपका 50 KB से लेके 300 KB के बीच में और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान रखें कि फोटो और सिग्नेचर तो आपको JPG फॉर्मेट में चाहिए, और आपको सर्टिफिकेट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ये तो आप पहले से ही ये सारे अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके प्रॉपर फॉर्मेट में और प्रॉपर KB में आप पहले अपने पास सेव कर लेंगे, उसके बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करेंगे। द साइज ऑफ द स्कैंड कॉपी ऑफ द क्लास 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शुड बी इन PDF बिटवीन 50 KB to 300 KB। यानी क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है आपका और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो भी हैं 10th का 12th का, वो आपको 50 KB से 300 KB के बीच में होने चाहिए, और ये भी PDF फॉर्मेट में चाहिए। द साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ द PWBD सर्टिफिकेट। PWBD फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, तो उनके लिए अगर जो सर्टिफिकेट है आपके पास में कोई भी, तो 50 KB से 300 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आप पहले से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में आपको फी पेमेंट करना है। तो फी पेमेंट में क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 द कैंडिडेट हैव टू पे द रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन फीस। जब आप स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पूरा करेंगे और स्टेप 2 के बाद जब स्टेप 3 पे पहुंचेंगे, तो यहां पर आपको अपनी एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी। द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग। यानी आप अपनी एप्लीकेशन फी को ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, जिसे आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। जब आप फी सबमिट कर देंगे, तो द कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय द कैंडिडेट। जैसे ही आपकी फी सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद आपका जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आएगा। देन क्या करना है आपको, डाउनलोड, सेव एंड प्रिंट अ कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर जो भी आपके पास कंफर्मेशन पेज आ रहा है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म को, सबमिटेड एप्लीकेशन को प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास सेव कर लेंगे। ऑल 3 स्टेप कैन बी डन टूगेदर और एज एट सेपरेट टाइमिंग। ये ध्यान रखना है कि तीनों स्टेप आप एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग टाइमिंग पर भी कर सकते हैं। सपोज आपने आज स्टेप बन कर लिया रजिस्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप जो है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो मान लीजिए आपने कल कर लिया, देन थर्ड डे आपने फी डिपोजिशन कर दिया, फी ट्रांजेक्शन कर दिया। लेकिन आप तीनों स्टेप एक साथ भी कर सकते हैं। द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अ कैंडिडेट कुड बी कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल एंड हिज हर कैंडिडेचर वुड बी कंफर्म ओनली ऑन द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन रिसीव्ड। यानी जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे, तो आपका सबमिशन हो जाएगा और वो आपका कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन वो कंसीडर आपका फाइनल जब ही होगा जब आपका फी का ट्रांजेक्शन रिसीप्ट उनको प्राप्त हो जाएगी। फाइन, तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लाइक द नेम एंड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी, जेंडर, स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज एक्सेट्रा, विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी डिटेल आप उसमें भर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वही फाइनल रहेगी, उसमें फिर आपका कोई चेंज नहीं होगा। सपोज आपने गलती से कोई और सिटी डाल दिया, अब आपको लगता है कि वो सिटी पे मुझे एग्जाम नहीं देना, मुझे कोई दूसरे सिटी में देना है, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ या कोई भी चीज आपने गलत कर दी, तो उसमें कोई आपकी रिक्वेस्ट ऐसी नहीं आएगी जिसमें, जिसके माध्यम से आप उसे चेंज कर सकें। अगर एजेंसी के द्वारा, NTA के द्वारा अगर कोई करेक्शन के लिए आपको विकल्प दिया जाता है,
तो मिल जाएगा, अदरवाइज आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑल कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। इसका विशेष ध्यान रखना है, जब अपना स्टेप वन करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, उसमें ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए और सही होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, जिससे कि जितनी भी आगे इंफॉर्मेशन एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी कुछ आएगी वो आपके ईमेल और फोन के माध्यम से आएगी। उसके बाद दिस इज दी हेल्प डेस्क, अगर कोई भी क्वेरीज है आपकी, कोई क्लेरिफिकेशन आप चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो एनटीए के द्वारा एक हेल्प डेस्क तैयार की गई है। उस हेल्प डेस्क की डिटेल ईमेल आईडी है cuet-ug@nta.ac.in। कॉन्टैक्ट नंबर है 01140759000 या 01169227700। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी उस ऑनलाइन आवेदन करने से रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, जिसमें हम आपको ऑनलाइन आवेदन करके बताएंगे कि कैसे हम आवेदन करें और कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन आवेदन करके आपको बताएंगे वेबसाइट पर कि कैसे आपको आवेदन करना है। सो थैंक यू वेरी मच। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।